गांवों की जन चौपालों में ग्रामीणों को पानी, शौचालय, विद्यालय और बिजली की मांग करते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन शमशान की मांग शायद आपको चौंका दे। ये बताइए, यहाँ पे शमशान नहीं है? ना। जी हाँ, एटा के जलेसर विकास खंड क्षेत्र के गांव पटना में आयोजित जन चौपाल में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव की महिलाएं शमशान की मांग करने लगी। महिलाओं का कहना था कि उनके गांव में शमशान नहीं है और न ही उनके पास जमीन है। इसके चलते परिवार के किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप लोग अपनी जमीन पे करते हैं? इस पर मंडलायुक्त अजय दीप सिंह ने भू अभिलेखों की जांच कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। भू अभिलेखों को देखने से विदित होगा कि यदि शमशान की भूमि कोई गांव में है तो वो वैकेंट होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल हो, और कोई भी शमशान की भूमि है वो सबके लिए होती है, किसी जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यदि शमशान है गाँव में तो कोई भी उसमें जाकर जो उसका उपयोग करेगा, यदि उसको ऐसा कोई मृत्यु होती है तो, और इस बात को अगर लिख के दिया है, वैसे भी हम ये फड़े बगल में दिखवाएंगे इस मामले को और इसमें कोई असुविधा नहीं होती।